नगर परिषद गुनौर द्वारा 27 जुलाई शनिवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा चलाए जा रहे एक वृक्ष माह के नाम पौधारोपण महाअभियान के तहत नगर परिषद द्वारा 500 वृक्ष लगाने का संकल्प रखा गया है। इसी तारतम्य में गुनौर तहसील ग्राउंड में गुनौर विधायक डॉक्टर राजेश वर्मा के मुख्य आतिथ्य में नगर परिषद अध्यक्ष अर्चना मलखान सिंह, CBMO जिला उपाध्यक्ष सुशील त्रिपाठी, मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र अवधिया सहित भाजपा कार्यकर्ता और वार्ड पार्षदों की उपस्थिति में वृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत कई प्रकार के पौधे जिनमें जामुन, बांस, शीशम, अशोक, आम, नीम, पीपल, आंवला और इमली आदि शामिल थे, पौधारोपण किया गया। इस मौके पर विधायक डॉक्टर वर्मा ने कहा कि हम सभी को पर्यावरण को बचाने और हरियाली बढ़ाने के लिए एक पेड़ माँ के नाम अभियान में जुड़ना चाहिए। नगर पंचायत गुनौर का कार्यक्रम था एक पेड़ माँ के नाम पौधारोपण। हम लोगों ने तहसील प्रांगण गुनौर में किया है, जिसमें सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नगर पंचायत अध्यक्ष जी और हमारे सभी पार्षद गण और सब जनता जनार्दन के साथ में पौधारोपण का कार्यक्रम तहसील प्रांगण में किया। भाई साहब, अभियान चलाया जा रहा, अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य एक ही है कि हमारी जलवायु ठीक रहे, वृक्ष लग जाएंगे तो ऑक्सीजन लेवल भी हमारा बढ़ेगा, आज जल स्तर भी हमारा बढ़ेगा। व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ मामला है, जिसके लिए भारत के प्रधानमंत्री सम्मानित श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत के अंदर मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश में ये कार्यक्रम बूथ स्तर पर, तहसील स्तर पर हम लोग कर रहे हैं।